Hello everyone, a very good morning to everyone. So this is a course for UPSC CSE examination, and in this course the theme is Let's Crack UPSC CSE, and under this theme we are dealing with the Indian Express, and today is 24th December ka Indian Express hum yahan par padhne wale hain. But before that I want to let you know that if you want to crack UPSC CSE examination with India's largest learning platform, then here is the Unacademy Plus with you. You have to click on get subscription link that you will find on Unacademy website as well as Unacademy application, right? So before start, please let me know that I am audible or not so that we can start the lecture. And a very good morning to everyone. Good morning to Ricky, Anjali, Rameshwari, Praveen, Pravitra and everyone, right? So please let me know that I am audible. चलिए सो सी अकेडमी के अंदर क्या मिलेगा अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती है, यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, मींस यू कैन वॉच द वीडियो एज मेनी टाइम यू लाइक. सो दिस इज व्हाट अन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू. एंड सी एन अकेडमी इज बिग प्लेटफॉर्म एंड अप्रॉक्सिमेटली 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स आर देयर ऑन अन अकेडमी. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ यू ऑफ द टॉप एजुकेटर यू कैन सी, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्रेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस इज देयर. ऐसा नहीं है कि सिलेबस आधा अधूरा कवर कराया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे एजुकेटर्स एक ही कोर्स को पढ़ाते हैं. जैसे पॉलिटी गवर्नेंस के ऊपर देयर 15 कोर्सेज दैट आर अपकमिंग कोर्सेज. इट मीन्स वॉट? इट मीन्स कि 15 डिफरेंट एजुकेटर्स आर फॉर्मुलेटिंग द कोर्सेज. अगर एक एजुकेटर से कुछ आपको फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, यू कैन शिफ्ट ऑन द अनदर एजुकेटर एंड सो ऑन. सो दिस इज वॉट अन अकेडमी इज प्रोवाइडिंग यू इनोवेटिवली, राइट? सो देखिए, इन सब चीज़ों का जो सारे आपकी फैसिलिटीज़ हैं, इन सब का प्राइस सिर्फ और सिर्फ 49,500 है फॉर वन ईयर, ठीक है? अगर कोई आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हैं तो इट विल बी मोर देन 1 लाख. एंड टीचर भी फिक्स रहते हैं, यहाँ पर टीचर्स के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी है. तो वन ईयर का 49,500, 2 ईयर्स का 72,000 एंड 3 ईयर्स का 90,000 है. तो आप देख लीजिए, प्लस कोर्स के अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस का टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और इसके अंदर आंसर राइटिंग प्रोग्राम, एसे राइटिंग प्रोग्राम एंड वॉट नॉट, एस आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज, एसे राइटिंग टेस्ट सीरीज. तो एवरीथिंग दैट इज इन द प्रीलिम्स एंड द मेंस विल बी कवर्ड इन डिटेल बाय द डिफरेंट एजुकेटर्स. Online interaction will be very fruitful for you because it is very interactive platform. And here comes the important thing, that is LiveDB. LiveDB बहुत important code इसलिए हो जाता है because यहाँ पर एक code के multiple benefits होते हैं. यहाँ पर आपको देख रहे हैं, 10% discount मिल जाता है आपको LiveDB code से, right? Apart from that, और क्या क्या benefits हैं, I will let you know. But before that, Iconic subscription is also there. इसके अंदर एक team of mentors होंगे जो आपको education के साथ साथ आपको mentorship भी provide करेंगे, right? सो देखिए, बैचेस फॉर्म के अंदर भी प्रिपरेशन होती है, एंड यू नो दैट अन अकेडमी इज इनोवेटिव प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पर देखिए, बहुत सारे बैचेस अब स्टार्ट हुए 21 दिसंबर से, ठीक है? और हर तरह की बैचेस जो आपको चाहिए, ठीक है, अगर आपको लेट नाइट बैचेस चाहिए तो वो भी है. तो हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है अन अकेडमी के द्वारा, राइट? सो बच्चों, प्रीलिम्स इज कमिंग एंड इट इज कमिंग वेरी फास्ट. सो वी एट एन अकेडमी आर वेरी रेडी फॉर दैट वन. एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स 2020 विद डेली क्विज, ये वाला कोर्स अभी अपना चल रहा है. दो क्लासेस हो चुकी हैं. दो स्टूडेंट हु हैव नॉट वॉच, प्लीज वॉच दिस वन, बिकॉज प्रीवियसली भी ये कोर्स स्टार्ट किया गया था 2020 के लिए. एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन वर आस्ट. 4 to 5 क्वेश्चन मीन्स 8 to 10 मार्क्स. जस्ट इमेजिन, 8 से 10 मार्क्स से डायरेक्टली क्वेश्चन आ गए थे इसके अंदर से. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. ये होता है 5 बजे सेम चैनल पे, ठीक है? एंड हियर कम्स द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू. वन कोड मल्टीपल बेनिफिट, ठीक है? लाइव डीवी कोड एक इंपॉर्टेंट कोड है, ठीक है? देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस विल गिव अस द रिकॉग्निशन. तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 100+ एजुकेटर्स विल बी एक्सेसिबल टू यू. फ्री क्लासेस अगर आपको देखनी है तो लाइव डीवी कोर्स से लिख सकते हैं, और सारे एजुकेटर्स की क्लासेस आपको लाइव डीवी कोर्स से मिल जाएगी. फ्री क्विजेस आपको हो जाएगा, ठीक है? इसके अंदर 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस प्लेटफॉर्म. प्लस प्लेटफॉर्म पे 10% डिस्काउंट हो जाएगा. पर्सनल गाइडेंस मेरा मिलेगा अगर आप लाइव डीवी कोड यूज़ करते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू द पर्सनल गाइडेंस कि हाउ टू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म. प्लस प्लेटफॉर्म पे कितने सारे एजुकेटर्स होते हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, ये सब हम आपको इसके अंदर बताएंगे. तो दिस इज वॉट द वन कोड मल्टीपल बेनिफिट, राइट? तो डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ठीक है? यहाँ पर बहुत सारी आपको फ्री क्लासेस भी मिलेगी. अगर आप ऑप्शन सब्जेक्ट कर सकते हैं तो ये चार्जशीट है, यू कैन सी दिस वन. लाइव डीवी कोड यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, राइट? सो हियर कम्स अवर इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस. इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रीलिम शॉर्ट्स रखते हैं, ठीक है? बेसिक्स रखते हैं कुछ, हाउ टू यूज इंडियन एक्सप्रेस इफेक्टिवली इन द एग्जामिनेशन. एंड 28th को आपका एक कंपाइलेशन वीडियो होगा जिसके अंदर पूरा कंपाइल कर देंगे. इस बार कंपाइलेशन वीडियो हो नहीं पाए, ठीक है, ड्यू टू मेनी रीजन. 14 और 21 का भी इसके अंदर ऐड कर देंगे कंपाइलेशन के अंदर. तो एक बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, स्पेशल क्लास टू वॉज दिस वन, राइट? होमवर्क भी दिया जाता है पर आप लोग करते नहीं है, आई नो दैट, ठीक है? और जो नहीं करते प्लीज लिखें, होमवर्क नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो लिखें कि होमवर्क करते हैं वो, ठीक है? तो कल का होमवर्क कंप्लीट करिए,
सभी बच्चे डेली लाइव आंसर राइटिंग सेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्या है कि एक स्पेशल क्लास मैं बनाता हूँ डेली, ठीक है। कल नहीं बन पाई थी बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू, तो उसके अंदर लाइव डेली आंसर राइटिंग क्लासेस होता है। इसके अंदर 22 दिसंबर को ये पढ़ाया था मैंने, यहाँ से स्टार्ट करा था। अब डेली स्टार्ट होता है ये 12:30 PM पर। कैसे अवेल करना है, अन अकेडमी की लर्निंग ऐप से ही करना है, राइट। सो टुडेज टॉपिक, जैसे आप लोगों ने कहा था सर पहले टॉपिक बता दीजिए अगर ये, तो हमने आपके अकॉर्डिंग चेंज कर लिया इसको। टुडेज टॉपिक इज फिजिकली चैलेंज लॉयर्स के बारे में कुछ कहा है अपने जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने, ठीक है। और ये अगर हम देखें कि ट्रांसलोकेशन, ये देखेंगे हम किस तरह से राजा जी के अंदर आ रहा है, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर जिम कॉर्बेट से टाइगर्स आ रहे हैं। टाइगर ट्रांसलोकेशन क्या होता है, राजा जी नेशनल पार्क क्या है, प्रीलिम्स के फैक्ट्री इसके अंदर है, मैसेज मच नीडेड इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट, ये एक एडिटोरियल है, ठीक है। नेपाल क्राइसिस के ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। मैसेज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर, अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्या हुआ है, इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, DDC के, और उसके अंदर गुप्तकार अलायंस जो है वो जीत गई है, तो उसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे क्या आर्टिकल है। इनसिक्योर वर्कर, ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द वर्कर सेक्टर और लेबर सेक्टर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सो इसके ऊपर ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे इसके ऊपर है। तो आज सोसाइटी से हम क्वेश्चन ले रहे हैं, कल हमने लिया था आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन से, राइट। सो टुडेज टॉपिक, दिस आर द टॉपिक्स, लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक। देखिए सबसे पहले देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने हाई कोर्ट के सब चीफ जस्टिस को बोला है कि देखो जो लॉयर्स हैं, ठीक है, जो लॉयर्स हैं जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको एक्सेसिबिलिटी मिलनी चाहिए पूरी। ऐसा नहीं है कि वो अपने फिजिकली डिसेबिलिटी के कारण वो एक्सेसिबल नहीं हो रहे, वो अपने अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, DY चंद्रचूड़ के द्वारा, ठीक है। अब सारे हाई कोर्ट के जस्टिस को, चीफ जस्टिस को इस तरह से बोला गया है। देखिए अभी इंपॉर्टेंट कैसे बन जाता है समझिए, कभी भी फिजिकली चैलेंज्ड या पर्संस विद अ डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आता है, तो उसके अंदर आप ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए कोर्ट्स भी सेंसिटिव है, कि अभी जो है जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बोला है कि कोर्ट्स भी देखिए सेंसिटिव है इनके प्रति, तो हमें इस तरह से रेगुलेशंस फॉर्म करने, तो इनके इनके पॉजिटिविटी के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए क्या बोला गया है, चंद्रचूड़ के द्वारा हैज कॉल्ड अपॉन द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस टू डू द नीडफुल, कि नीडफुल करें टू मेक द हियरिंग्स मोर इजीली एक्सेसिबल टू फिजिकली चैलेंज लॉयर्स एंड लिटिगेंट, जो भी लॉयर्स एंड लिटिगेंट फिजिकली चैलेंज है उनके लिए क्या करें, हियरिंग इजीली अवेलेबल कराया जाए उनके लिए, इस तरह की चीज़ें करी जाए, ऑनलाइन कोर्स, ठीक है, वर्चुअल कोर्स, इस तरह की चीज़ें की जाए। सारे हाई कोर्ट्स को लिखा है उन्होंने लेटर, तो सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है लेटर, तो उनके द्वारा ये स्टेप्स उठाए जाए, इस तरह से इनमें बोला गया। तो ए वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन ए लेटर टू द चीफ जस्टिस, जस्टिस चंद्रचूड़ हु ऑल्सो हेड द सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी पॉइंटेड आउट दैट द क्रिएशन ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर, ठीक है, एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम। अब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंटली आपको ये ऐसे कैसे लिखना होता है एग्जाम के अंदर, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, ये इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक्सेसिबल बनाना चाहिए उनके लिए, राइट। जैसे आप कहते हैं कि जैसे PDF हो, तो अगर मान लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, ठीक है, लॉयर है, तो वो कैसे देखेगा PDF को, तो ब्रेल लिपि और ये सब चीज़ें होता है, इस तरह की चीज़ें आपको इनोवेटिव चीज़ें इसके अंदर डालनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी के मान लीजिए कोई फिजिकल डिसेबल है तो वो नहीं अपना पोटेंशियल को यूज़ कर पा रहा है, कोई वकील फिजिकल डिसेबल है, इसके लिए इसके अंदर बोला गया, ठीक है। एन अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम इन द जुडिशरी फॉर द लॉयर्स एंड द लिटिगेंट्स विद डिसेबिलिटीज इंपेरेटिव इन ऑर्डर टू क्रिएट लेवल प्लेइंग फील्ड। देखिए अगर लेवल प्लेइंग फील्ड करना है, जैसे मान लीजिए एक लॉयर है वो हट्टा कट्टा है, इसका वेल बॉडीड पर्सन है, ठीक है, एक है फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन, ठीक है। अब इसमें इंटेलेक्चुअलिटी ज़्यादा है मान लीजिए, और इसके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी कम है, फिर भी इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो अपॉर्चुनिटी शुड बी इक्वल और लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। कि आप देखिए कोई भी पर्सन जो होता है ना डिसेबल पर्सन, वो डिसेबल बीमारी के कारण या फिर उसके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम है इसके कारण नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई कोई पर्सन है जिसके पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप उसको व्हील चेयर प्रोवाइड कर देंगे, रैंप प्रोवाइड कर देंगे, तो हर जगह वो जाएगा, तो उसकी डिसेबिलिटी इज विद द रिसोर्सेज नॉट विद हिमसेल्फ, उसके कारण डिसेबिलिटी नहीं है बच्चों, ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये लिखना होता है आपको पॉइंट, ये रिसोर्सेज होंगे तो वो डिसेबल नहीं रहेगा। कोई विजुअली इंपेयर्ड है तो आप उसके अंदर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से चेंज कर दीजिए कि वो यूटिलाइज कर सके, तो वो यूटिलाइज कर लेगा, नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करेगा, व्हील चेयर दे दीजिए आदमी को, वो नॉर्मल पर्सन की तरह जा सकेगा इधर उधर, ठीक है। तो इमोबिलिटी ऑफ ए पर्सन इज नॉट ड्यू टू द डिसेबिलिटी, ठीक है, इनएक्टिविटी ऑफ ए पर्सन इज नॉट ड्यू टू द डिसेबिलिटी, इट इज ड्यू टू द रिसोर्स क्रंच,
रिसोर्स क्रंच होएगा, इसके लिए प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके अंदर लिखना होता है। तो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, किसको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सब इंक्लूड कर देंगे, तो हो सकता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, इस तरह से उन्होंने बोला है। राइट, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया है। 19(1)G क्या होता है, राइट टू प्रोफेशन। अब राइट टू प्रोफेशन सबका होना चाहिए, अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो भी राइट टू प्रोफेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ऐसा लिखना होता है आपको। जब तक पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी के पेपर के अंदर आप आर्टिकल्स नहीं डालेंगे तब प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने बोला आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19(1)G। 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी। 19(1)G क्या है, राइट टू प्रोफेशन। ठीक है, कि अपना प्रोफेशन करे अपने हिसाब से। पर अगर मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल है तो वो नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। अगर मान लीजिए कोर्ट्स एक्सेसिबल नहीं है फिजिकली डिसेबल के लिए, एक्सेसिबल का मतलब क्या है, उसके अंदर इस तरह के फैसिलिटीज नहीं है या फिर इस तरह के रूल्स प्रोसीजर नहीं है कि फिजिकली डिसेबल उसको यूज कर पाए, तो हाउ कैन ही इज यूजिंग हिज फंडामेंटल राइट 19(1)G। आर यू गेटिंग दिस वन, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सुनंदा सिंह, आंसर कहाँ भेजना है, देखो आंसर भेजना नहीं है कहीं, आपको आंसर बैठकर हम लिखवाएंगे। ठीक है, दिस इज द लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस, और वो 12:30 PM पर होगी, स्पेशल क्लासेस होंगी अन अकेडमी पे। वहाँ पे आ जाइए, आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको उसी वक्त सॉल्व करके आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, इस तरह से लाइव क्लास होगी वो, ऐसा नहीं है कि मैं आपको लिखने को दे दिया हूँ और आप 10 दिन बाद लिख कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहीं पर लिखना है, लाइव का मतलब होता है वहीं लिखना है बैठ कर। ठीक है, हमें भरोसा नहीं है आप लोगों पर। ठीक है, तो डंपिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द फाइलिंग एक्सेसिबल ऑन स्पेशली एबल्ड लॉयर्स वुड बी लाइक सर्विंग ए फाइल इन टू ए फॉरन लैंग्वेज टू द एबल बॉडीड लॉयर। देखिए, जैसे एक मान लीजिए उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दिया, कॉरोलरी बनाई के देखिए, उन्होंने बना के दिखाई कि जैसे मान लो एक फिजिकली एबल्ड है, ये बिल्कुल सही है इसका वर्ड, इसको अगर तुम फॉरन लैंग्वेज के अंदर फाइल दे दो तो क्या ये कर पाएगा काम, नहीं कर पाएगा ना। उसी तरह से क्या होगा, अगर फाइलिंग एक्सेसिबल नहीं बना पाओगे आप किसके लिए, एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड लॉयर के लिए, तो उसके लिए वो ऐसा ही है, जैसा कि इसलिए ये नहीं पढ़ पा रहा है वैसे वो नहीं पढ़ पाएगा उसको। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको इसके अंदर आपको बताना होगा। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फर्स्ट टाइगर ट्रांसलोकेशन इन उत्तराखंड टूडे, आज उत्तराखंड के अंदर ट्रांसलोकेशन होगा। कहाँ से ट्रांसलोकेशन हो रहा है, कि जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है उससे हो रहा है राजाजी टाइगर रिजर्व के अंदर। दोनों ही उत्तराखंड के अंदर है, बट क्यों हो रहा है ये भी हम इसके अंदर बताएंगे, और राजाजी टाइगर रिजर्व पे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर, ये भी हम आपको बताएंगे। सो लेट स्टार्ट विद दिस। राइट, तो प्रीवियस आर्टिकल सपन में आ गया, फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन के लिए कुछ लिखना हो तो वो आर्टिकल बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी ने किस तरह से स्टेप्स लिए, तो दैट इज वेरी कमेंडेबल स्टेप्स, इस तरह से आपको लिखना होता है। राइट, चलिए, राजाजी टाइगर रिजर्व इज सेट टू वेलकम द फर्स्ट बिग कैट फ्रॉम द जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक टाइगर आने वाला है, ठीक है, राजा जी के अंदर। तो कहाँ से आ रहा है, जिम कॉर्बेट से आ रहा है, जिम से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जिम से आ रहा है और राजा जी के पास आ रहा है। राइट, तो इन द फर्स्ट सच रीलोकेशन इन द उत्तराखंड एम्ड एट टाइगर पॉपुलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए प्रीलिम शॉर्ट्स के अंदर हम देखें तो नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज नेस्टल्ड बिटवीन द टाइगर रिजर्व जो है, राजा जी टाइगर रिजर्व है उसके बारे में ही बताया गया है। ये जो नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है, राजा जी टाइगर रिजर्व इज नेस्टल्ड बिटवीन द शिवालिक रेंज एंड द इंडो गैंगेटिक प्लेन। अब ये है ना, आपको याद रखना पड़ता है, ये पूछेंगे कि इस तरह का ये सब कुछ दे देंगे वो, है ना। मान लीजिए तीन चीजें इन्होंने ये पूरा दे दिया सेंटेंस एग्जाम के अंदर प्रीलिम्स क्वेश्चन में, फिर बोलेंगे विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइगर रिजर्व, कौन से टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, आपको ए बी सी डी करके दे देंगे। तो आपको ये याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, टाइम टू टाइम हम आपको ये पढ़ाते रहते हैं प्रीलिम शॉर्ट्स, जैसे इसके अंदर ये न्यूज़ थी, अब इसका प्रीलिम शॉर्ट्स हम आपको इसके अंदर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई भी न्यूज़ होगा उससे रिलेटेड, प्रीलिम्स का कोई भी न्यूज़, कोई भी रिसर्च वर्क होगा वो हम आपको यहाँ पर ला कर दे देंगे। तो एक कंप्लीट कवरेज है आपका इंडियन एक्सप्रेस का, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी थोड़ा थोड़ा हम कवरेज करते रहते हैं, स्टैटिक पोर्शन का एज वेल एज स्टैटिक के साथ साथ हम करंट अफेयर्स का भी कवर करते रहते हैं प्रीलिम्स के अंदर। तो देखिए शिवालिक रेंज एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इसके बीच में जो नेशनल पार्क है वो है राजा जी नेशनल पार्क। तो दे कैन आस्क यू कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक रेंज और इंडो गैंगेटिक प्लेन के अंदर है, ये पूछ सकते हैं। इसके अंदर देखिए डेसिडियस फॉरेस्ट, रिवर राइन वेजिटेशन, स्क्रबलैंड, ग्रासलैंड एंड पाइन फॉरेस्ट फ्रॉम द रेंज ऑफ द फ्लोरा इन द पार्क, इस तरह की चीज मिलती है। आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर है, हिल एरिया के अंदर है, तो इसी तरह का इसके अंदर इकोसिस्टम मिलेगा। राइट, द पार्ट इज स्प्रेड ओवर द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, हरिद्वार, देहरादून और पौरी गढ़वाल। ये भी पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड की 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, शिवालिक और इंडो गैंगेटिक प्लेन के बीच में है, बताओ कौन सा नेशनल पार्क है। तो आपको प्रीलिम्स के अंदर इस तरह से बताना चाहिए। राइट,
चलिए, गंगा एंड सोन रिवर फ्लो थ्रू दिस पार्क, ये भी पूछ सकते हैं। गंगा और सोन रिवर फ्लो करती है, तो राजा जी नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रीलिम शॉर्ट्स के अंदर। इट इज एट द नदर्न वेस्ट लिमिट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एलिफेंट एंड टाइगर्स इन इंडिया एंड हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन उत्तराखंड। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन उत्तराखंड कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर है, ये भी बोल सकते हैं अगेन राजा जी। ठीक है, तो राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ये है। ठीक है, तो गंगा सोन रिवर के ऊपर है एलिफेंट और टाइगर। ठीक है, और आप देखते हैं ये इसके अंदर ये फोना भी मिलता है, तो आप इसको याद करें तो ठीक है, नहीं तो नहीं करें तो और मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि एलिफेंट और टाइगर के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एलिफेंट देखो, राजा लोग जो होते हैं वो क्या होता है कि उनका शौक होता है टाइगर को मारने का, ठीक है, टाइगर का शिकार करने का, प्लस एलिफेंट पे सवारियां करते हैं वो। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो उनके सोन रिवर याद कर सकते हो, सन से याद कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ट्रिक्स होती हैं जो आप याद कर सकते हैं गंगा एंड सन रिवर उसके अंदर से, कि राजा का बेटा सन, ठीक है, तो सोन रिवर याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, ऐसे याद कर लोगे एलिफेंट टाइगर सोन रिवर, इस तरह से आप याद कर लोगे तो इसके अंदर हो जाएगा, राइट। तो शिवालिक रेंज और इंडो गैंगेटिक के अंदर है, और इस तरह से तीन स्टेट्स के अंदर फैला हुआ है, तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ है उत्तराखंड के अंदर, राइट। तो 2015 के अंदर क्या हुआ था, राजा जी नेशनल पार्क को नोटिफाई किया गया था टाइगर रिजर्व से बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स थिंग, हमारा न्यूज था राजा जी के ऊपर, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर। ठीक है, हमने उस न्यूज के अंदर प्रीलिम्स का भी रिसर्च वर्क करके इसके अंदर डाल दिया, इससे क्या होता है ज्यादा समय तक याद रह जाता है आपको। ठीक है, तो सोन रिवर, ठीक है, और गंगा रिवर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, शिवालिक और इंडो गंगेटी के बीच में ये आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे एलिफेंट और टाइगर्स मिलते हैं राजा जी नेशनल पार्क के अंदर, उत्तराखंड की तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फैला हुआ नेशनल पार्क राजा जी नेशनल पार्क क्यों है न्यूज में, न्यूज में इसलिए है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से वो भी उत्तराखंड में ही है, वहां से राजा जी नेशनल पार्क के अंदर ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं टाइगर्स का, क्यों कर रहे हैं लेट्स अंडरस्टैंड, राइट। तो वाई ट्रांसलोकेशन इज नीडेड, देखिए वेस्टर्न पोर्शन जो है, जैसे ये राजा जी नेशनल पार्क है, इसका जो वेस्टर्न पोर्शन है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 60% ऑफ टोटल रिजर्व एरिया है, ठीक है, 60% ऑफ टोटल रिजर्व है, और इसके अंदर सिर्फ दो टाइग्रेस है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ दो टाइगर है, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर है, क्या रीजन है इसकी, रीजन ये है कि यहाँ पे बीच में एक क्या है, एक ट्रैफिक लेन है, ठीक है, जिसके अंदर से ट्रैफिक पास होता है, राइट। तो ये टाइगर्स है ना इधर नहीं आते हैं, इसके कारण यहाँ पे दो ही रह गए, और ये दो भी 18 ईयर ओल्ड है, 18 ईयर ओल्ड मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव एज के बाहर आ गए। तो यहाँ पर अब दूसरा कोई ट्रांसलोकेट कर रहे हैं हम जिम कॉर्बेट पार्क से लाकर, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। तो देखिए ये इस तरह से है कि इसके अंदर वेस्ट और ईस्ट के अंदर अगर राजा जी नेशनल पार्क अपन ये पूरा देखिए, राजा जी नेशनल पार्क है, तो यहाँ पर जो है वेस्ट के अंदर है ना बच्चों, यहाँ पे सिर्फ दो टाइग्रेस है, क्यों है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक लेन आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से टाइगर जो होते हैं वो इधर शिफ्ट नहीं करते, ठीक है, डर के कारण या फिर किसी भी तरह से आप बोल देंगे, राइट। डिस्पाइट राजा जी हैव 37 टाइगर्स, वैसे तो 37 टाइगर है, बट इधर देखें तो दो ही टाइग्रेस है, राइट, और इधर बहुत सारे टाइगर्स और टाइग्रेस है। द ईस्टर्न पार्ट कैन नॉट बूस्ट द नंबर इन द वेस्टर्न पोर्शन एज द टू आर डिवाइडेड बाय द ट्रैफिक कॉरिडोर, ट्रैफिक कॉरिडोर से डिवाइडेड है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर से ट्रैफिक कॉरिडोर पास हो रहा है, ठीक है, और इसके कारण ये आपके लिए हर पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन योर फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क क्योंकि न्यूज में भी है, उसके बारे में पूछ भी सकते हैं, और हम देख रहे हैं हमको यहीं पे लर्न हो गया कि गंगा रिवर, सोन रिवर, इंडो गंगेटिक और शिवालिक रेंज के अंदर है, ठीक है, और इसके अंदर टाइगर और एलिफेंट मिलते हैं मेनली, ठीक है, और इसका जो वेस्ट पार्ट है उसके अंदर क्या है, कम टाइगर्स है, ईस्ट पार्ट है उसके अंदर ज्यादा टाइगर्स है, क्यों, बीच में से ट्रैफिक लेन चल रहा है, ये आपको याद रखना है। विद दिस रिलोकेशन अ राइज इन द टाइगर नंबर कैन बी एक्सपेक्टेड इन द वेस्टर्न पार्ट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, हो सकता है कि बहुत सारे टाइगर रिजर्व टाइगर्स इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज दिस न्यूज ऑल अबाउट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं बच्चों, प्रीलिम शॉर्ट्स भी ले लेते हैं इसके अंदर, एक ये न्यूज थी सिंपल सी, इसके अंदर जो भी प्रीलिम से रिलेटेड हुआ वो अपन ने इसके अंदर कवर कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज मैसेज मच नीडेड, ये प्राइम मिनिस्टर कल एएमयू गए थे, मैंने इसके अंदर आपको पढ़ाया भी था कि एएमयू में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि देखो देश विकास कर रहा है और इस विकास के अंदर आई विल प्रॉमिस टू यू दैट कोई भी रिलीजन के बेसिस पे पीछे नहीं रहेगा, रिलीजन के बेसिस पे हम लड़ते हुए बहुत जमाने हो गए, अब हमें आगे मूव करना चाहिए और देश के साथ, देश के लिए रिलीजन के अंदर कोई पीछे नहीं रहेगा, बिकॉज उसका रिलीजन कोई एक्स वाई जेड रिलीजन है तो उस विकास के अंदर वो भी पार्टिसिपेट करा जाएगा उसका भी। और इन्होंने ये भी बोला था, एक इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी दिया था बच्चों,
एएमयू पे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, कि हमारी आइडियोलॉजीज डिफरेंस हो सकती है, आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती है, बट जब नेशन इंटरेस्ट आता है तो हमें अपनी आइडियोलॉजीज को कीप असाइड करना चाहिए, साइड में रखना चाहिए, और फिर अपन को नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर की एएमयू पे स्पीच थी। अब हम इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर इसके अंदर पढ़ेंगे कि एएमयू क्या था, किसने बनाया था, सैयद अहमद खान कौन थे, ठीक है, क्या क्या उनके पॉइंट्स थे, क्या क्या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो चीज भी हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। पहले हम देखते हैं आर्टिकल में क्या कह रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच एट सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज ए वेलकम एंड एम्फेटिक रीअफर्मेशन। उन्होंने कहा है दैट ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ द स्टेट, सारे सिटीजन। ये बहुत, देखो, रिलीफ मिलता है इस चीज से। ऐसा अगर प्राइम मिनिस्टर आपका बोलता है कि सारे इक्वल है, बिकॉज एट दैट टाइम व्हेन द लोगों के अंदर थोड़ा सा डाउट आ रहा है, जैसे हमने देखा था कि स्टार्टिंग अगर हम देखें इस साल की, तो जो सीए के प्रोटेस्ट से, एनआरसी के प्रोटेस्ट से, इस तरह से ये प्रोटेस्ट चले थे, राइट। तो ये एक मूवमेंट बन गया था, एक मतलब एक तरह से एक नेगेटिविटी आ रही थी कि भाई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। फिर हम देखेंगे इसके आगे जब हम चले तो शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुए, ये सब चीज़ें प्रोटेस्ट हुई, ठीक है। तो अब लास्ट के अंदर अगर हम देखें, इस साल के एंड के अंदर लव जिहाद वाला इशू आया है, राइट। तो अब इस वक्त पर, इस पॉइंट पर इस तरह का कहना प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, दैट इज़ वेरी 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 गुड अप्रोच, ठीक है। और उसके अंदर क्या कहने, सारे सिटीजन स्टेट के सामने इक्वल हैं, कोई आइडेंटिटी के हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो इट स्ट्रक अ नोट ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड अकोमोडेशन, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर दैट बिगिन विद अनप्रेसिडेंट नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप लॉ, ठीक है, जो कि आपने देखा था साल की शुरुआत में इस तरह का हुआ था, सीए एनटीसीए एज वेल एज एनआरसी, एंड दैट हैज मोस्ट रिसेंटली सीन अ ट्रबलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंटरफेथ मैरिजेस इन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से लव जिहाद वाला कानून निकला, तो उसके बीच में एक गुड न्यूज़ है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है, द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, इस तरह से ये बोलता है, देखिए कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, और ए पाथ वेयर नो वन कैन बी लेफ्ट बिहाइंड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। इस तरह से प्रोग्रेस कर रही है कि भाई किसी का रिलीजन एक्स वाई जेड है तो वो ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट बिहाइंड रह जाएगा, हम बिल्कुल मतलब सबका साथ सबका विकास वाला काम कर रहे हैं, इस तरह से बोला है उन्होंने। ही लेड आउट द कॉमन ग्राउंड ऑफ द नेशनल एस्पिरेशन, ठीक है, क्या है नेशनल एस्पिरेशन, सेल्फ रियलेंस, आत्मनिर्भरता इज द नेशनल एस्पिरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट इज द व्हाट इज द नेशनल एस्पिरेशन, एंड प्ले डाउन द कंपल्शन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड नैरो पॉलिटिक्स, ठीक है। उन्होंने बोला है, देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण पॉलिटिकल डिफरेंस हो सकते हैं, बट जब नेशन की बात आ जाएगी तो हमको अपनी आइडियोलॉजी साइड में करके आगे बढ़ना होगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बच्चों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा, उस पर पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम, तो 12:30 PM पर लाइव फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम होता है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, जो 12:30 बजे वो क्वेश्चन जो होगा वो अपन करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, देयर वाज अ बेटर ओकेजन, नो बेटर ओकेजन सेंटेनरी सेलिब्रेशन ऑफ एएमयू टू रिमाइंड द कंट्री ऑफ हिज हेरिटेज कल्चर। देखिए, ये किसने करा था, इन्होंने, सर सैयद अहमद खान ने करा था ये, पहले इस कॉलेज को बोलते थे माओ कॉलेज, ठीक है, मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, ये 19th सेंचुरी के अंदर ये कॉलेज बना था। और इस कॉलेज का निर्माण इसलिए हुआ था बच्चों कि मुस्लिम्स के अंदर मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करना, इस तरह से इसका अंदर होता। कौन थे सैयद अहमद खान, क्या था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पर्पस सेटअप करने का, ये सब चीजें हम क्या करेंगे, हम डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रीलिम्स शॉर्ट्स के अंदर, राइट। तो ये हो गया, विद एम ऑफ प्रमोटिंग ए साइंटिफिक टेम्पर एंड मॉडर्निस्ट आउटलुक इन इट्स स्टूडेंट्स, राइट। तो देखिए, दो सेटअप ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना था, बट इन्होंने क्या करा, कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा इस कॉलेज ने, सबको इसके अंदर, सारी कम्युनिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, सारी कम्युनिटीज के स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं। इट रिमेन्स ट्रू टू दैट हिस्ट्री एज द पीएम पॉइंटेड आउट इन हिज स्पीच, इट इज अ कैंपस, यहाँ पर ऐसा ये कैंपस है जिसके अंदर उर्दू, संस्कृत, कुरान, रामायण, ये सब मिली हुई है, मतलब सारे लोग इसके अंदर इन्वाइटेड है। माइनॉरिटी स्टेटस होने के बावजूद भी सभी रिलीजन को, सभी कम्युनिटीज को इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पढ़ाया जाता है, इसके अंदर सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एएमयू यूनिवर्सिटी के बारे में इस तरह से बोल रहे हैं, राइट। तो इट इज नॉट ओनली अ मिनी इंडिया बट ऑल्सो ए लिविंग एग्जाम्पल ऑफ गंगा जमुना तहजीब। गंगा जमुना तहजीब क्या है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एक लिविंग एग्जाम्पल है। एएमयू बिकम होम टू एंटी कॉलोनियल स्पिरिट रूटेड इन ए सेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड। और इसका एएमयू का बहुत अच्छा रोल भी है हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड बनाने के लिए, ठीक है। तो ये बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर इन्वोक्ड दैट हिस्ट्री
वाइल अर्जिंग एमएयू स्टूडेंट टू वर्क टूवर्ड्स अ गोल ऑफ स्ट्रॉन्गर इंडिया, कि उन्होंने बोला था कि देखो यूथ जो है ना दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और यूथ अगर चेंज हो जाए तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यूथ से उन्होंने कहा कि अपनी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को साइड में रखिए और नेशन के प्रोग्रेस के अंदर काम करिए, यू आर वेरी मच वेलकम फॉर दिस वन, ठीक है। तो बच्चों आर यू गेटिंग दिस वन, इज एवरीथिंग ओके, आर यू गेटिंग एवरीथिंग। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। दिस नेशनलिज्म इज ए स्ट्रेंथ दैट मैटर्स मोर देन एवर एट अ टाइम ऑफ द इंक्रीज सोशल एंड पॉलिटिकल पोलराइजेशन। इस आर्टिकल में ये बोल रहे हैं कि देखो ये अभी मैटर जो है ना, ये अभी जो बोला गया है ये सब चीज़ें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ये बहुत मच रिक्वायर्ड चीज़ थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर डिवाइसिवनेस आ रही है, ठीक है, अलग अलग तरह से कल्चरली या फिर रिलीजियस वाइज, ठीक है। तो ये बोलना बहुत अच्छा है। तो इन्होंने ये बोला है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को भी, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को भी इसके अंदर समझना चाहिए कि माइनॉरिटी इंक्रीजिंग फीलिंग द हैवी हैंड ऑफ द पार्टीजन स्टेट, क्योंकि वो जो हैवी हैंडेड माइनॉरिटीज को डील कर रही है वो नहीं करना चाहिए, ऐसा इसके अंदर बोला गया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट अबाउट एएमयू, दैट इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड सैयद अहमद खान। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रीलिम शॉर्ट्स के अंदर अब इसके अंदर देख रहे हैं। तो देखो एएमयू इज ए पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इज इन अलीगढ़, अलीगढ़ के अंदर है। किसने बनाई है, सर सैयद अहमद खान ने बनाई है। पहले इसका नाम था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज और एमयू कॉलेज, माओ कॉलेज जिसको फेमसली बोलते हैं, 1875 के अंदर ही बनी है, ठीक है। इतने सारे फैक्ट्स याद हो गए। तो माओ कॉलेज जो है दैट इज एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देखो ये अब न्यूज के अंदर है, दिस कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब इसको बनाया कब था, माओ बिकम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920, 1920 के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई एक्ट से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट। तो इसके पीछे एक्ट की है, बैकिंग है, मतलब लीगल बैकिंग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट से बनी है 1920 के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया, 1875 में सैयद अहमद खान ने करी थी। अब क्यों करी थी, क्यों खोली थी यूनिवर्सिटी, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो देखिए ही फाउंडेड द साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ मॉडलिंग इट टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने ये भी देखो इनका क्या पर्पस था, इनका ये पर्पस था कि ऑर्थोडॉक्स जो मुस्लिम है, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं उनके लिए क्या करा जाए, उनको उनको मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भी मुस्लिम्स हैं जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन पे बिलीव कर रहे हैं मदरसास के, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला मुस्लिम स्टूडेंट्स को, तो उनके अंदर मॉडर्न एजुकेशन का बीज डालना पड़ेगा, वेस्टर्न एजुकेशन का बीज डालना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो, जिससे कि वो एक अच्छा एजुकेशन ले पाए और पार्टिसिपेट कर पाए किसके अंदर, नेशन के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। प्लस उनको देखो इसके अंदर एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा था कि भाई देखिए हिंदूज जो है ना दैट आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर रहना है, ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, हमें एजुकेटेड बनना पड़ेगा, हमको मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक लेना होगा, इस तरह से उन्होंने बोला। और ऐसा बोला जाता है कि जो टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट है वो भी ओरिजिनेटर जो थे सर सैयद अहमद खान थे, बट इंस्टेड ऑफ दैट दे आर वेरी नेशनल, ही इज वेरी नेशनलिस्ट, वो नेशनलिस्ट थे बट उनको एक साइकोलॉजिकल फियर था मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी का, राइट। तो देखिए सर सैयद न्यू दैट द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम हॉस्टिलिटी टू द मॉडर्न साइंस एंड द टेक्नोलॉजी विल कम इन द वे ऑफ द सोशो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट, कि अगर मान लो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेडिशनल एजुकेशन लेते रहे मदरसास के लिए, कुरान के अंदर शीरिया के लाओस पढ़ते रहे, तो इससे कुछ उनका भला नहीं होना पड़ेगा, हो पाएगा, उनको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उनका माइंडसेट था, इसलिए उन्होंने ये कॉलेज खोला था। ही ऑल्सो गिव रीजनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लामिक स्कल्पचर स्क्रिप्चर, ये भी आपको इसके अंदर प्रीलिम्स के अंदर याद रखना है, राइट। अब देखिए जो उन्होंने ये मूवमेंट चलाया है कि साइंटिफिक मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड करने का मूवमेंट, ठीक है, इसको बोला गया अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। द मूवमेंट एसोसिएटेड विद द सैयद अहमद खान एंड द कॉलेज केम टू बी नोन एज अलीगढ़ मूवमेंट, जिसके अंदर ये क्या कह रहे हैं कि मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन के ऊपर एजुकेशन देनी चाहिए मुस्लिम्स को, जिससे कि वो क्या करें, वो अपना सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो ये बोलेंगे देखो ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल नॉलेज रिलीजियस नॉलेज से तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा, तुमको चाहिए क्या, तुमको चाहिए मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। तो उसके लिए अलीगढ़ मूवमेंट बनाया गया। तो देखें अस क्यू अलीगढ़ मूवमेंट के ऊपर क्या चीज़ होती है, ये पूछ सकते हैं। नीड फॉर एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशिंग ए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर द इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन, ठीक है। ही कंसिडर कॉम्पिटेंस इन द इंग्लिश एंड द वेस्टर्न साइंस नेसेसरी स्किल्स फॉर मेंटेनिंग मुस्लिम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर मुस्लिम्स को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखना है तो उनको कॉम्पिटेंस होनी चाहिए इंग्लिश के अंदर, मॉडर्न एजुकेशन होना चाहिए, ये सैयद अहमद खान है। इसलिए बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स के लोग जो थे उनको काफिर भी बोलते थे कि ये देखो काफिर है,
ये क्या है, खुदा के अल्लाह के अगेंस्ट में काम कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन की बात कर रहा है, इस तरह से उनको बोलते थे। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ उर्दू एज लिंगुआ फ्रेंका ऑफ ऑल द इंडियन मुस्लिम्स, ठीक है। हिज वर्क्स प्रोपोगेटेड द लैंग्वेज एंड ऑल्सो प्रपोज टू गवर्नमेंट टू यूज द उर्दू ऑफिशियली। उर्दू को ऑफिशियली यूज करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल भी दिया था, तो उर्दू लैंग्वेज के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा क्या उनको प्रमोट करने के लिए काम करा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा किसके अंदर, सैयद अहमद खान के अंदर, राइट। अब देखिए, ही वॉज नॉमिनेटेड टू द वायसराय लेजिस्लेटिव काउंसिल, वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हुआ। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ऐसे बोला कि देखो जो मुस्लिम्स हैं उनका वेलफेयर कौन कर सकता है, उनका वेलफेयर ब्रिटिशर्स ही कर सकते हैं, तो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहो, ठीक है। ये इस तरह से बोलते हैं, जो ब्रिटिशर्स के लॉयल रहो और मॉडर्न एजुकेशन लो और साइंटिफिक एजुकेशन लो, इसलिए ये हमेशा ब्रिटिशर्स के लॉयल रहते थे, राइट। तो ब्रिटिशर्स तो पहले से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के अंदर बिलीव करते थे कि मुस्लिम को अपने साइड देख लो, ठीक है, कर लो। और उनको सैयद अहमद खान के अंदर एक ऐसा पर्सन मिल गया कि जो कि उनका काम बना सकता था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का, ठीक है। थोड़ा डिवाइड एंड रूल हुआ भी इसके अंदर, और उनको वायसराय का लेजिस्लेटिव, वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉमिनेट कर दिया। वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है बच्चों, और एक होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर होती थी, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इनको क्या करा, नॉमिनेट किया गया। ही सपोर्टेड दादा भाई नौरोजी एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, उनको सपोर्ट का इन द रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड द सिविल सर्विसेज, ठीक है। बट ही वॉज वेरी ऑफ द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एज ही थॉट पावर वुड पास इन टू द हैंड ऑफ द हिंदूज अलोन। इनको ऐसा था कि देखिए अगर आज़ादी मिलती है ना तो पावर सारी हिंदूज के पास चल जाएगी और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट नहीं बच पाएंगे, तो मुस्लिम्स को अपना इंटरेस्ट बचाना है तो उनको मॉडर्न एजुकेशन और ये सब चीज़ें उनको करनी पड़ेगी, ठीक है। ही एडवोकेटेड मुस्लिम्स टू हैव लॉयल्टी टू द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स की तरफ लॉयल रहे, इस तरह से ये पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर से सैयद अहमद खान के ऊपर, राइट। इन हिज ओन वर्ड, वी डू नॉट वॉन्ट टू बिकम सब्जेक्ट ऑफ द हिंदूज इंस्टेड ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ द बुक, ठीक है, कि हम क्या करें, हम हिंदूज की सब्जेक्ट नहीं बनना चाहते हैं। इनको ऐसा डर था कि आज़ादी मिलेगी तो सब कुछ हिंदूज हत्या लेंगे, तो इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वो ऐसे भी बोल सकते हैं उनको कि ही इज़ अ फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरी विच सेज दैट द हिंदू एंड मुस्लिम कैन नॉट बी वन नेशन। टू नेशन थ्योरी के अंदर क्या था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अलग अलग सभ्यता है और इन सभ्यता का एक साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए इनको अलग घर दे दो, इनको अलग घर दे दो, इनके लिए पाकिस्तान बना दो। तो उसके ओरिजिनेटर जो थे ना, वो इस तरह से बोले जाते हैं कि सैयद अहमद खान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार ये बात करी थी कि हिंदूज और मुस्लिम्स के अंदर अगर मुस्लिम्स जो होंगे वो पॉलिटिकली वीक रह जाएंगे और हिंदूज विल टेक ग्रैप ऑफ ऑल द पॉलिटिकल अथॉरिटी एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल अथॉरिटी, ये उनको डर था। इसलिए उन्होंने क्या करा, उसने उन्हें बोला कि मुस्लिम लोगों तुम क्या करो, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन लो, ठीक है, तुम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करो, तुम लॉयल रहो ब्रिटिशर से जिससे तुम्हारे इंटरेस्ट हैम्पर ना हो। ऑल दो ही वॉज नेशनलिस्ट बट ही वॉज हैविंग द साइकोलॉजिकल फियर दैट माइनॉरिटी गेट एनगल्फ्ड ड्यू टू द वेव ऑफ द मेजोरिटी, दैट्स वाई ही इज सेइंग लाइक दैट, राइट। तो सही, सैयद अहमद वाज नाइटेड, नाइटहुड की इनको उपाधि मिली थी बाय ब्रिटिशर्स इन 1888। अब ब्रिटिशर्स के बहुत लॉयल थे तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर भी इनको ले लिया, और ब्रिटिशर्स के बहुत ज्यादा लॉयल थे इसलिए उनको नाइटहुड की उपाधि भी इसके अंदर मिल गई है, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर कवरिंग दिस वन। तो एक ये आर्टिकल था जिसके अंदर हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लिया, सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ लिया। सैयद अहमद खान के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर, सो प्लीज़ ये सब चीज़ें पूरा रिसर्च करके मैंने प्रीलिम्स का इसके अंदर बनाकर रख दिया है, आपको एक बार प्लीज़ वापस देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, अभी जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ है, कल मैंने आपको रिजल्ट बताया था इलेक्शन का, जिसके अंदर 90 प्लस सीट्स किसको आई है, गुप्तकार अलायंस को आई है, गुप्तकार अलायंस को आई है 90% सीट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुप्तकार अलायंस को, ठीक है, गुप्तकार अलायंस को क्या हुआ है, 90% सीट्स आई है, ठीक है। गुप्तकार अलायंस के बारे में मैंने कल बताया था आपको, ठीक है। और 70 प्लस सीट्स आई हैं किसको, बीजेपी को। तो बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई कॉलिशन फॉर्म नहीं करता, पर गुपकार अलायंस के अंदर, गुपकार अलायंस के अंदर देयर आर मैनी पार्टीज, जो भी लोकल पार्टीज थी, मुफ्ती की पार्टी हो या फिर इनकी पार्टी हो, अब्दुल्ला की पार्टी हो या फिर लियोनी की पार्टी हो, सारी पार्टीज मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। और उनका यही था कि 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन गलत है, उसको वापस से अप्लाई कर देना चाहिए, और लोगों ने उसी के रेफरेंस में वोटिंग करी है, मतलब वो जीत गए गुपकार अलायंस। तो दिस इज अ मैसेज कि वॉट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वांट्स। तो डीडीसी इलेक्शन क्या है, एक लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन था, उसके अंदर रिजल्ट आया। तो रिजल्ट देख रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहा है, रिजल्ट जा रहा है अपना
गुपकार अलायंस की तरफ, और वो गवर्नमेंट बनाने वाली है, राइट। तो देखो, पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हैव स्पोकन अनएम्बिगियसली, इसमें कोई क्लियरिटी के अंदर बोला है, इन फेवर ऑफ द व्हाट, इन फेवर ऑफ द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन इन द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, द फर्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एक्सरसाइज, किसके बाद में, जब आर्टिकल 370 का अब्रोगेशन किया है, प्लस दो यूनियन टेरिटरी के अंदर जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, उसके बाद पहली बार डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हुआ। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक तरह से रेफरेंडम भी माना जा सकता है, और बहुत पार्टीज ने इसको बोला था, जैसे बीजेपी ने भी स्टार्टिंग में बोला था कि ये रेफरेंडम होगा, कि लोग जो बोलेंगे, इसका मतलब अगर लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने 370 आर्टिकल को सपोर्ट करा है, अगर गुपकार अलायंस को सपोर्ट करते हैं तो इन्होंने मतलब 370 आर्टिकल के एप्लीकेशन को सपोर्ट नहीं किया है, और दे वांट टू री इंस्टॉल द 370 आर्टिकल। तो पीपल ने बोला है कि भैया हम गुपकार अलायंस के साथ हैं, इस तरह का जजमेंट आया है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। एंड बच्चों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर इट वाइडली एंड प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये ऐसा है कि अन अकेडमी के ऊपर अभी इस चैनल से थोड़ा सा ट्रैफिक कम करने की कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है कि अपना इंडियन एक्सप्रेस बंद हो जाए, तो आप चाहते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस बंद ना हो, ठीक है, तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना होगा, हम तो कुछ भी पढ़ा लेंगे, ठीक है, आपको पता है हम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री कुछ भी पढ़ा देंगे, बट इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, आई थिंक दिस इज द दिस विल गिव अ बिग बूस्ट टू योर प्रिपरेशन। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरे को टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, सुबह 4:30 बजे उठकर फिर प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि पूरा रिसर्च करना है, प्रीलिम्स शॉर्ट्स और ये सब चीज़ें, तो इसमें मेरे को टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा कि अगर वो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस बंद हो जाता है, बट आपके लिए बहुत बेकार हो जाएगा, दैट्स वाई आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप इट। इफ यू डोंट वॉन्ट टू स्टॉप इट, प्लीज राइट ऑन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द वीडियो, जब वीडियो खत्म हो जाए तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, करिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देखिए इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटीज मैंने स्टार्ट करी थी बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ रेस्पॉन्स, वो भी बंद करनी पड़ी मुझे, अब आप लोग फिर बाद में बोलते हैं कि सर वापस स्टार्ट करें, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, यू आर नॉट सोवरिन हेयर, ठीक है, एन अकेडमी के अंदर हम सोवरिन नहीं है, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच व्यूज द वीडियो इज गेटिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको बताना पड़ेगा कि अन अकेडमी टीम को भी पता लगे कि हाँ ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो इसको बंद करने के लिए ना बोलेंगे मेरे को, ठीक है। कल ही इस तरह की बातें हो रही थी कि बहुत सारा ट्रैफिक हो गया है इस चैनल पे, तो हमको कुछ एजुकेटर्स को कहीं और शिफ्ट करना होगा, या फिर कुछ एनालिसिस को कम करना होगा, जैसे हिंदू का भी एनालिसिस आता है यहाँ पे, पीआईबी का भी एनालिसिस आता है, जो भी क्लियर कट बात है वो मैंने आपको बता दी है, तो इफ यू वॉन्ट टू कंटिन्यू इट प्लीज शेयर इट वाइडली, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। इवन दो दिस वॉज ए लोकल बॉडी इलेक्शन, देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन था, फिर भी बीजेपी ने या फिर गुपकार अलायंस, कांग्रेस ने, सबने ऐसे बोला था कि जो भी रिजल्ट आएगा ना, दैट विल बी कंसिडर एज द रेफरेंडम ऑफ द पीपल, कि पीपल क्या चाहते हैं, जम्मू कश्मीर के पीपल क्या चाहते हैं, इसके ऊपर रेफरेंडम होगा, कि उनके डिसीजन के ऊपर रेफरेंडम होगा कि वो लोग क्या चाहते हैं, राइट। तो व्हेन बीजेपी अपेरेंट एक्सपेक्टेशंस ऑफ द बॉयकॉट बाय द रीजनल पार्टी डिड नॉट कम ट्रू, ठीक है, एंड इंस्टेड दिस पर्सपेक्टिव ऑफ विनिंग डिमिनिश्ड, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ था तो अमित शाह ने एक सेंटेंस दिया था, अमित शाह होम मिनिस्टर ने, कि दिस इज व्हाट, दिस इज गुपकार गैंग, ये गुपकार गैंग है जो कि चाइना फंडेड गैंग है, इस तरह के सेंटेंस दिए थे। अब उस गुपकार गैंग को ही लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब यह है कि लोग बाग क्या है, लोग बाग बीजेपी को पसंद ना करके किसको कर रहे हैं, गुपकार अलायंस को पसंद कर रहे हैं, राइट। तो नेचुरली द पीएजीडी, ठीक हैज प्रोजेक्टेड इट्स विक्ट्री एज ए रिसाउंडिंग रिजेक्शन ऑफ सेंटर्स, जो भी सेंटर ने अभी पॉलिसीज बनाई है उसका रिजेक्शन है, ये ऐसे बोल रहे हैं कि देखो लोगों ने बोल दिया है, अब पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन और लोगों ने बोला है कि हमको 370 आर्टिकल हटाना पसंद नहीं है, राइट। सीकिंग कंसोलेशन इन द डिफीट, और बीजेपी क्या बोल रही है, बीजेपी ऐसे बोल रही है कि देखो हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ये तो सब ग्रुप में मिलकर, झुंड में मिलकर लड़ ली तो हमारेंगे, इतने सारे लोग सब मिल जाएंगे, 7-8 पार्टीज लोकल पार्टी, तो हम हारेंगे, ठीक है, बट व्हाट काउंट इन दिस इलेक्शन इज विनिंग द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट विन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 30 3 सीट्स जीती हैं इन्होंने, किसके अंदर, वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर 3 सीट जीती गई हैं, जम्मू के अंदर इनका अच्छा परफॉर्मेंस है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। पीएजीडी सेट टू कंट्रोल द काउंसिल ऑफ एटलीस्ट 9 out of 10 डिस्ट्रिक्ट, तो देखो कश्मीर में से 10 डिस्ट्रिक्ट में से 9 के ऊपर कौन रहेगा, पीएजीडी गुपकार अलायंस जो होगा वो रहेगा, और बाकी जो होगा बाकी के अंदर, बाकी एक के अंदर बीजेपी रह सकती है या फिर कांग्रेस, इस तरह का कुछ हो सकता है, राइट। तो पीएजीडीज विक्ट्री इज स्वीटर फॉर ऑल द ऑब्स्टिकल्स दैट वर थ्रोन इन दिस पाथ एंड द एफर्ट्स मेड टू डिस्क्रेडिट इन द आइज ऑफ द वोटर्स, ठीक है। पहले देखिए इसके अंदर बहुत एफर्ट मारे गए थे कि गुपकार अलायंस को किसी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, उनको एंटी नेशनल बताया गया, उनको बोला कि जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के अंदर अलग अलग, जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के से अलग है, राइट।
और इसके अगेंस्ट में जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट में ये भी बताया गया कि ये तो फॉरेन फंडेड है, ये तो चाइना के द्वारा है, ठीक है, ये तो गैंग है, इस तरह की बातें करी गई, नन अदर देन आवर होम मिनिस्टर ओनली, ठीक है। बट इन्होंने क्या करा, पीएजेडी की विक्ट्री ये दिखाता है कि इतने सारे बाधाएं थी, फिर भी सारी बाधाओं को क्रॉस करके ये जीत गए, ठीक है। और इवन इनके जो लीडर्स थे उनके ऊपर देखिए, रोशनी एक्ट मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, ठीक है, अब्दुल्ला के ऊपर रोशनी एक्ट, वहां पे एनआईए लगा दी है, ईडी लगा दी है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर हो रही थी कि जिससे कि इनको रोका जाए, बट जितना इनको प्रेशराइज करा उतने अच्छे मार्जिन से जीते, इस तरह से इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है, राइट। तो रिजल्ट शुड सर्व एज ए वेकअप कॉल, ये वेकअप कॉल है गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट को पॉलिटिकल अकोमोडेशन ज्यादा करना चाहिए, अकोमोडेटिव पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी चाहिए, एज द पार्टी इन द ऑफिस एट द सेंटर द बीजेपी मस्ट टेक केयर द लीड, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उसके अंदर है मनोज सिन्हा, उनका बहुत तारीफ करना होगा, इस आर्टिकल में ऐसे लिख रखा है, क्योंकि उन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शन कराया, बट अब उनका काम और बढ़ जाता है कि इस किस तरह से डेमोक्रेसी मेंटेन करें, और गुपकार अलायंस जो गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है इसके अंदर भी क्या होना चाहिए, इसके अंदर भी लोकल पीपल किस तरह से, लोकल पीपल की एम्स एंड एस्पिरेशन को फुलफिल किया जाए, ये इसके अंदर देखना होगा। और इसमें ये भी बताया है कि बीजेपी को क्या है, बीजेपी को कोई ऐसी टैक्टिक्स नहीं अपनानी चाहिए, साम दाम दंड भेद करके जैसे वो करती है वैसे कुछ नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेसी का रेस्पेक्ट करना चाहिए, इस तरह से इसके अंदर बताया गया है। तो एक आर्टिकल है, एक न्यूज़ है, देखिए अब इसके इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बार बार में आर्टिकल आ रहा है, मेन आर्टिकल भी इसके बारे में था, तो वो मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं करा क्योंकि वो दैट इज नॉट बेनिफिशियल, हम इसमें पिन पॉइंटेड पढ़ रहे हैं जिससे कि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके इसके अंदर, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहीं पे आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, द इनसिक्योर वर्कर, इनसिक्योर वर्कर के बारे में हम इसके अंदर बात कर रखे हैं, और फिक्स टर्म एम्प्लॉयज क्या होते हैं ये हम इसके अंदर समझेंगे, और किस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर क्या होता है ये हम समझेंगे। अभी विस्ट्रॉन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के अंदर जो अभी राइट्स हुए हैं उसके बारे में हम जानेंगे, किस तरह से लोगों ने जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या करा, वर्कर्स ने उधर वायलेंट हो गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे, राइट। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको 12:30 PM पर सॉल्व करना है कल, ठीक है, आज आज जो करना है वो तो मैंने कल दे दिया था आपको क्वेश्चन, दिस इज द टुडे टुमारोज क्वेश्चन, कि डिस्पाइट सच अ लिबरल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रिजीम फर्म्स कंटिन्यू टू हायर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, ठीक है, व्हाई डिस्कस, ठीक है, ये आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर ये आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। अभी हम इसको पढ़ते हैं, इसके अंदर ही आंसर छुपा हुआ है, इस आर्टिकल में आंसर छुपा हुआ है, हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बहुत अच्छे से अपन को इसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो अभी क्या हुआ है, विस्टर्न्स की आईफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर वायलेंस हुआ है अभी, ठीक है, क्यों वायलेंस हुआ है, क्योंकि यहाँ के जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये है मजदूर लोग, ठीक है, दिस आर वर्कर्स, और ये क्या मांग कर रहे हैं कि हमने हमसे जो काम कराया गया उसके पैसे हमको वापस करो, ये इसके अंदर चल रहा है। और इसके पीछे जो है कंपनी, जो है आईफोन की कंपनी है, उन्होंने कहा है कि भाई हमने पैसे दे दिए, और इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, ठीक, और इसके पीछे जो मतलब सिनेरियो है वो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, तब हमको समझ में आएगा कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर्स क्या होता है, ये हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट केम अंडर द अटैक फ्रॉम थाउजेंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, थाउजेंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर आए ओवर एलिस्ट नॉन पेमेंट ऑफ द वेजेस, क्योंकि वेजेस को पे नहीं करा गया है, तो वो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए और इस तरह का वायलेंस हो गया। अब ये देखेंगे, विस्ट्रॉन जो थी कंपनी, आईफोन की कंपनी, उन्होंने ऐसे बोला है विस्ट्रॉन कंपनी ने कि देखो हमने तो सारा पेमेंट किसको दे दिया, इनके कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जो इनका कॉन्ट्रैक्टर था उसको दे दिया है, अब उसने इनको पेमेंट नहीं दे दिया तो हम क्या करें इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि सिनेरियो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड, देखिए कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है ये समझिए, अब ये आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, ठीक है, अभी इस क्वेश्चन के अंदर, तो प्लीज अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, दिस इज अ कंपनी, ठीक है, अब ये कंपनी जो है ना ये क्या कर रही है, इसको लेबर्स चाहिए, दे वांट्स लेबर्स, अब ये क्या कर रहे हैं कि इनको ऐसे लेबर, सीजनल लेबर चाहिए कि भाई जनवरी और फेब के लिए मान लीजिए लेबर्स की शॉर्टेज हो गई इनके अंदर, तो इनको लेबर चाहिए। अब ये हायर तो कर नहीं सकते, परमानेंट हायर तो कर नहीं सकते इसके अंदर, परमानेंट हायर करेंगे तो हायर और फायर के रूल पूरा लेबर लॉस को फॉलो करना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ता है। ये कॉन्ट्रैक्टर क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर क्या है ये समझो, ये कॉन्ट्रैक्टर एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे मजदूर हैं, ठीक है, और ये बोलता है कि भाई तुमको मजदूर को क्या करेंगे, हमें हैंडल कर लेंगे, मजदूर को सब कुछ कर लेंगे, हमें बस आप पैसा दे देना, कंपनी विल गिव देम द मनी, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देती है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर जैसे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने 1,000 रुपए ले लिए,
ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर ने 500 रुपये लेबर्स को दे दिए, 500 अपनी जेब में रख लेता है, ठीक है। दिस इज हाउ द कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर्स विल बी देयर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब ये होता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, कंपनी ने किसको हायर करा है, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करा है, और कॉन्ट्रैक्टर के बहुत सारे लेबर है। अब ये लेबर क्या होते हैं, ये दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर के खुद के लेबर भी हो और या फिर दिहाड़ी मजदूर हो, ठीक है। तो अब कॉन्ट्रैक्टर इनको क्या करता है, इनको एक्सप्लॉइट करता है। अब कंपनी को तो पता नहीं है, कंपनी ने तो अपने 1,000 रुपये इधर दिए, उन्होंने सोचा यार कौन लेबर वेबर से क्या करेगा, रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, कौन उनसे बातचीत करेगा, एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर देते हैं, ठेके पे काम दे देते हैं। जैसे ठेके पे काम देते हैं ना घर में, तो उसका ही लेबर है, ठीक है, अपना तो कोई लेबर नहीं है, उसका ही लेबर है, ठीक है। आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दिया अपन ने, तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को 1,000 रुपये दे देते हैं और ये सोचते हैं कि भाई देखो इससे इसके जो लेबर होंगे वो काम कर लेंगे। अब इससे कंपनी को क्या क्या फायदा होता है ये समझिए, क्यों कंपनी ऐसा करती है ये समझिए, ये आपको आंसर में लिखना है। देखिए लेबर लॉस जो है ना हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही रिजिड है। लेबर लॉस कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए कुछ एक्स मतलब आप 300 से ज्यादा अगर लेबर्स रख रहे हैं, अभी कुछ स्टेट्स के अंदर ये अलग है, किसी के अंदर 100 है, किसी के अंदर 300 है। अभी समझिए 300 लेबर्स से अगर आप ज्यादा रख रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा इनका रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा इनको सोशल सर्विसेज देनी पड़ेगी, ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा इनको, ठीक है। जो भी सोशल बेनिफिट्स होते हैं वो सब कुछ देने पड़ेंगे इनको, राइट। एक तो ये पॉइंट है, इसलिए इनको लगता है कि यार 300 से ऊपर होने नहीं देते, अपन क्या करते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर को कर लेंगे, कॉन्ट्रेक्टर को ले लेंगे और कॉन्ट्रेक्टर विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स, ठीक है। या फिर दूसरी क्या प्रॉब्लम होती है इनको, ये समझो बिल्कुल ध्यान से समझना इसको, दैट इज इंपॉर्टेंट। दूसरी ये समस्या होती है कि मान लीजिए इनको 300 से ज्यादा अगर लेबर्स हो गए इनके पास, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, लेबर लॉ ऐसे बोलता है कि तुम हायर और फायर नहीं कर सकते, फिर हायर एंड फायर मतलब अपने हिसाब से नहीं कर सकते, आप फायर करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा उनको, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी बताना पड़ेगा कि हम नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि हम इनको क्या कर रहे हैं, फायर कर रहे हैं। तो अपनी मर्जी, इनकी मर्जी के मालिक नहीं रह पाते, तो कंपनी वाले सोचते हैं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे जबरदस्ती, तो एक कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि भाई तू पैसे ले ले, तू संभालना, तेरे लेबर होंगे, तू संभालना और तू आकर हमारा काम कर जा। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। मैनी स्टूडेंट इज आस्किंग सर प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। बच्चों स्पेशल क्लास होती है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, मेरा नाम लिखो, उसके अंदर क्लास मिल जाएगा आपको। वो 12:30 बजे क्लास होगा, सिर्फ आपको उसके अंदर क्लास के अंदर लॉग इन करना है और कुछ नहीं करना। लाइव डीबी कोड अगर मांगे तो लाइव डीबी कोड यूज कर लेना, लाइव डीबी कोड के बारे में आपको बताइए, ठीक है, करेक्ट कोड है एक लाइव डीबी, वो यूज कर लेना बस, तो आप आराम से आंसर राइटिंग। और उसके अंदर हम क्या करेंगे समझो, लाइव हम आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसा कभी भी कोई भी एजुकेटर भी करा नहीं रहा है, जिसमें बैठकर आपको वही आंसर लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन लिखोगे पहले, फिर बॉडी पार्ट लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे, इस तरह का कुछ एक हमने प्लान करा है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल रहता है, देखते हैं कैसा आपका रिएक्शन रहता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इंसिडेंट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये जो इंसिडेंट हुआ है अभी जिसके अंदर इस तरह सा चीज हुआ है विस्ट्रॉन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, तो इन्होंने क्या बोला, देखो विस्ट्रॉन कंपनी ने, आईफोन वाली कंपनी ने बोला कि हमने तो सारा पैसा दे दिया स्टाफिंग एजेंसीज को, कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, अब कॉन्ट्रैक्टर नहीं दे रहा तो हम क्या करें, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि स्टाफ जो था वो सारा भड़क, वो जो स्टाफ था जो लेबर थे वो सारे भड़क गए कि हमने काम कर लिया, हमको पैसे नहीं दे रहे, और आके वहां पे वायलेंस कर दिया। और वायलेंस करने के कारण यही चीज था इसके अंदर, देखिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हुआर हायर्ड बाय इंटरमीडिएटर, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टर, जो मैंने आपको बताया था अभी, ये कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एंड आर नॉट ऑन द पेरोल्स ऑफ द कंपनी ऑन विच ऑन हुज शो फ्लोर दे वर्क हैव बीन एट द सेंटर ऑफ द मच डिस्प्यूटेड ओवर द लास्ट डिकेड। और इन लोगों के अंदर है ना बहुत सारा डिस्प्यूट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। तो सच थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच इंटेल्स ए डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी वेन द कॉन्ट्रैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ द वेजेस एंड द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर फैसिलिटीज डिजर्व स्क्रूटनी, इस वाले सिस्टम को हमको स्क्रूटनाइज करना चाहिए, ये इसके अंदर बोला है। द इंक्रीजिंग रिलायंस ऑफ द इंडस्ट्री ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इज वेल एस्टेब्लिश, ठीक है, पर अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है ना बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, और इंडस्ट्रीज वांट टू हायर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, ठीक है, और इसीलिए से गवर्नमेंट ने क्या करा था, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करा। आर यू गेटिंग दिस वन बच्चों? बच्चों कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है वो डायरेक्टली हायर करने के बजाय एक कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ती है
और उसकी लेबर्स उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे देती है, उस कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देती है, और कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत सारे लेबर्स होते हैं, वो उसको हैंडल करता है, कैसा एक्सप्लॉयटेशन करता है, क्या करता है, ये सब इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर है। इनका हेडेक सारा खत्म हो गया कंपनी का, कि कंपनी ने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिए, दिस इज नोन एज कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर। और इसके कारण क्या हो रहा है, इसके साथ कारण प्रॉब्लम हो रही है कि कॉन्ट्रैक्टर इनसे अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश कर, ये सीधे आके मारते हैं किसको, इसको मार रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर वायलेंस हुआ है, विस्ट्रॉन जो आईफोन कंपनी है उसके अंदर वायलेंस हुआ है, तो दैट इज अ थिंग, राइट। तो अब ऐसे कोई बाहर की कंपनी होती है, जैसे आईफोन की कंपनी के ऊपर अटैक कर दिया मॉब ने, ठीक है, लेबर की मॉब ने, तो यहाँ से ऐसा पता चलता है कि यार लेबर लॉस के अंदर कुछ गड़बड़ है, इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस कंट्री के अंदर क्या है, इस कंट्री के अंदर इस तरह से लेबर्स भड़क जाते हैं, आग लगा देते हैं कंट्री में, तो क्या इन्वेस्टमेंट करना, ऐसा गलत मैसेज आता है भारत के देश के लिए, राइट। तो अकॉर्डिंग टू एनुअल सर्वे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आंसर के अंदर लिखना है, जो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना उसके आंसर में लिखना है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अकाउंटेड फॉर 36.4% ऑफ टोटल प्रोडक्शन। कि अगर मान लो 100 वर्कर हैं पूरे इंडस्ट्रीज के अंदर, पूरी इंडस्ट्रीज के अंदर भारत के अंदर, तो 36.4 क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होंगे। सोच कर देखो कितना बड़ा नंबर है ये, 36.4% कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होंगे। अब इसको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ एक लॉ बनाया था, ठीक है, पर उस कोड के अंदर इंक्लूड करता, पर उससे पहले ये देखो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा मिजरेबल कंडीशन होता है, वो देखो ऑफन फाइंड देमसेल्फ डूइंग सेम टास्क करते हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉयड वर्कर करता है, पर उनको कम सैलरी मिलती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उनको कम सैलरी देता है, क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने 1,000 रुपये दे दिया, अब कॉन्ट्रैक्टर जितना रुपए इनको देगा वर्कर्स को देगा उतना ही उसका लॉस है, तो वो कभी 500 रुपये दे दिया मान लो, तो उसके अंदर 500 रुपीज बचे उसके पास, अगर मान लो 400 ही दिया किसी तरह से एक्सप्लॉयट कर लिया इनको, 400 रुपये दिया तो इसके अंदर 600, अब इसकी जेब में तो 100 रुपीज ज्यादा आ गए कॉन्ट्रैक्टर की जेब में, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है, इन लोगों के पास कम पैसा आएगा। तो देखिए दे रिसीव लोअर वेजेस, ये आपको लिखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये आपको लिखना है, हैविंग लिमिटेड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लिमिटेड होते हैं, ऑपरेट अंडर द पुअर वर्किंग कंडीशन, पुअर वर्किंग कंडीशन में ये ऑपरेट करते हैं, तो इस कारण से ये क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक है, राइट। इन ए बिड टू डिस्करेज द यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, गवर्नमेंट ने अभी क्या करा था, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड कराया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के अंदर। अब वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये समझिए, देखिए अब जल्दी से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं ना। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के अंदर क्या था, कि भाई देखो ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ रही है किसी को, और कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत सारे लेबर्स हैं, और इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रही है, ये क्या कर रहा है, ये लेबर को फिर आगे दे रहा है पैसा, और खुद ज्यादा पैसा अपने पास रख रहा है, और इन लेबर को हैंडल करने का इसके ऊपर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, ये समझ में आया, सॉरी। तो अब दूसरा जो है, जो फिक्स्ड एम्प्लॉय है वो क्या स्कीम है, इसके अंदर इंडस्ट्रीज से बोलेंगे भाई एक काम करो तुम ही डायरेक्ट हायर कर लो, और हायर करोगे ना तो इनको सब कुछ करना, इनको सारी सोशल सर्विस देना, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देना, सब कुछ ग्रेचुटी से लेकर सब कुछ देना पड़ेगा तुम्हें। अब ऐसे बोलेंगे सर इतना हम नहीं कर सकते क्योंकि इनको अगर हम हायर कर लेंगे तो तुम हमको फायर करने का अधिकार नहीं देते, तुम आप अपनी मर्जी से नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम 2 महीने के लिए रखो, पर 2 महीने के लिए इनको अच्छी सैलरी और अच्छे से रखो, इनको 2 महीने के रख रखो, ऐसा नहीं बोल रहे पूरे साल के लिए हायर करो, जब तुम्हें रिक्वायरमेंट है ना तभी रखो। यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर अगर एक बार आपने हायर कर लिया ना तो आप फायर नहीं कर सकते, फिर ऐसा रूल है आप फायर नहीं कर पाओगे, और फायर करने के लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन फायर द पर्सन। यहां पर इन्होंने कहा है कि जो फिक्स्ड जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर ये बोला गया है कि आप ले लो 2 महीने के लिए ले लो, बट इनको क्या करो, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ग्रेचुटीज, ये सब चीजें प्रोवाइड करो, राइट। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि इन ए बिड टू डिस्करेज द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट स्कीम डाली, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉय कैन बी डायरेक्टली हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, है ना, कंपनी डायरेक्टली हायर कर सकती है इनको विदाउट मीडिएशन ऑफ मिडिल मैन, तो कॉन्ट्रैक्टर मिडिल मैन का कोई उनका वो नहीं रहेगा, उसके अंदर मिडिल मैन नहीं रहेगा, और क्या होगा, दे आर इंश्योर्ड टू सेम वर्क वेजेस अलाउंस एंड स्टैच्यूटरी बेनिफिट, सब कुछ वैसा ही मिलेगा जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को ये देते हैं, बट ये कभी भी इनको टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी वाले, पहले ऐसा था कि टर्मिनेट करने से पहले आपको पूछना पड़ेगा गवर्नमेंट से, आप कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं अपने
विल पे कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं बिना किसी उसके, राइट। रिट्रेंचमेंट बेनिफिट दिए कि भाई तुमको टर्मिनेट कर रहे हैं कि तुम 20 दिन का ये ले लो, भाड़ा ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है इनको, ये कभी भी जाकर टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इससे क्या क्या हुआ था, इससे ऐसा लगा था कि वर्कफोर्स जो होगी वो ज्यादा फॉर्मलाइज होगी और इंडस्ट्रीज डायरेक्ट हायर करने लग जाएंगी, क्या करेंगे वर्कर्स को। बट इंडस्ट्रीज ने वर्कर्स को डायरेक्टली हायर नहीं करा, क्यों नहीं करा, इसके पीछे अब रीजन हम समझेंगे कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग, देखो यही क्वेश्चन है आपका, डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का इंट्रोडक्शन करवा दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको क्वेश्चन में बताना पड़ेगा व्हाट इज फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसके अंदर क्या होगा कि हायर और फायर के रूल तो एम्प्लॉयर के पास होंगे, ये होता है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जिसके अंदर एम्प्लॉयर किसको ले लेगा, वर्कर्स को ले लेगा, फर्म्स कंटिन्यू टू रिलाय ऑन द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के पास ही जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमको इसके अंदर समझ में आना होगा, ये हमको इसके अंदर समझने होना होगा, राइट। और इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपको 12:30 PM पर करना होगा। तो देखिए, द क्वेश्चन देन अराइजेज इज व्हाई डू द फर्म कंटिन्यू टू डू सो व्हेन दे हैव अल्टरनेटिव ऑप्शन, जब उनको डायरेक्टली वो हायर कर सकते हैं है ना, और उसके अंदर उनके पास फायर का रोल भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स के पास क्यों जाते हैं, क्यों कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं कर लेते। इट इज वर्थ नोटिंग दैट द फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज इंडीड क्वाइट ओपन एंडेड, ये ओपन एंडेड है, द कोड डज नॉट स्पेसिफाई अ मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर फॉर हायरिंग फिक्स टर्म एम्प्लॉयज, एक मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर नहीं बताया कि 2 महीने तक रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे को, जैसे अन अकेडमी मेरे को हायर करती है और मेरे को बोलती है कि सर आपको कभी भी निकाला जा सकता है, तो मैं क्यों जाऊंगा अन अकेडमी के अंदर, समझ में आ रहा है। वहीं एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे को बोलता है कि मैं तुमको जॉब दिला दूंगा, ठीक है, एज एजुकेटर, ठीक है, तुम मेरे को क्या करो, मेरे को ज्वाइन करो और मैं तुमको साल भर का जॉब की गारंटी देता हूँ, और वो मेरे को फिर दूसरी जगह भेज रहा है, जैसे अन अकेडमी के अंदर या फिर बायजूस के अंदर, ठीक है, या फिर स्टडी आईक्यू के अंदर, इस जगह इन सारे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे को भेज रहा है, ठीक है, तो मैं उसको प्रेफर ज्यादा करूंगा। इसी तरह से क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं करा कि मिनिमम कुछ करना चाहिए था गवर्नमेंट को कि 2 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक तो आपको रखना ही पड़ेगा उसमें, तो नहीं रखा तो किसी भी दिन आपको हटा सकते हैं, तो आप उसके अंदर जाएंगे नहीं, तो लेबर्स उसके अंदर जाते नहीं, ठीक है। नॉट डज इट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ टाइम द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिन्यू, और कितने नंबर ऑफ टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर पाएंगे ये भी स्पेसिफाई नहीं करता, तो दिस आर द लूप होल्स दैट यू हैव टू राइट इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर लिखना होगा आपको। द एब्सेंस ऑफ सच सेफगार्ड कैन इन फैक्ट लीड टू द इरोजन ऑफ द परमानेंट जॉब्स, परमानेंट जॉब्स क्या होता है, इरोड हो जाते हैं इससे, और दिस इज नॉट राइट, वर्कर्स में फाइंड देमसेल्फ मूविंग फ्रॉम द वन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट टू अनदर, ठीक है, विदाउट एनी एश्योरेंस, कोई एश्योरेंस नहीं उनके पास, एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मूव करते रहेंगे, तो ये क्या है, ये वर्कर्स के लिए भी दिक्कत है, वर्कर्स के भले के लिए बनाया था पर वो क्योंकि तो अच्छे से नहीं बनाया गया है तो वो वर्कर्स के लिए दिक्कत हो गया। व्हाइल दिस डज नॉट बोड वेल फॉर द लेबर मार्केट सिक्योरिटी, इट इज क्लियरली अ वेरी फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट फॉर द फर्म्स, राइट, इट इज इंडीड और द डिस्पाइट सच ए लिबरल फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट रिजिम, फर्म्स कंटिन्यू टू हायर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को हायर करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का वो कम पड़ता है एज कम्पेयर टू व्हाट फिक्स टर्म लेबर, फिक्स टर्म अगर एम्प्लॉयमेंट वो लेंगे, एम्प्लॉयज को लेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ेगा उनको, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर करेंगे तो कम महंगा पड़ेगा, राइट। तो इन एडिशन टू द फैक्ट दैट हायरिंग इज चीपर देन द फिक्स टर्म, मॉनिटरिंग, फिर उनका मॉनिटर भी करो, अगर जैसे मैंने मैंने हायर कर लिया डायरेक्ट, ठीक है, तो उसको मॉनिटर भी करूंगा, लीगल कंप्लायंस के अंदर भी जाऊंगा, उसके लिटिगेशन कोई मेरे अंदर फाइल कर दी तो उसको भी हैंडल करूंगा, इससे बढ़िया मैं कहूंगा कि नहीं नहीं यार मेरे को ये सब काम नहीं करना, कॉन्ट्रैक्टर को 10 पैसे ज्यादा दे दूंगा, पर कॉन्ट्रैक्टर्स का सारा सरदर्द कॉन्ट्रैक्टर का होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। आइडियली टू एनकरेज ए शिफ्ट अवे फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स टू द फिक्स टर्म एम्प्लॉइज, द गवर्नमेंट शुड हैव कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन द कोर एक्टिविटीज, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, गवर्नमेंट को ये बिल्कुल बोल देना चाहिए था कि कोर एक्टिविटीज के अंदर आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को नहीं अप्लाई करेंगे, ये रूल बना देना चाहिए, तभी जाकर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से शिफ्ट होंगे फिक्स टर्म एम्प्लॉइज की तरफ, ठीक है। तो ये एक पहला काम करना चाहिए, ये आपको सजेशन देना है आंसर के अंदर, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया उस आंसर के अंदर 12:30 PM पर ये सजेशन आपको देना है कल, कि आपको कोर एक्टिविटीज जो होती है कंपनीज की, जैसे आयरन एंड स्टील है, उसकी जो कोर एक्टिविटीज होगी, कैसे ब्लास्ट फर्नेस के अंदर लेबर्स जो काम कर रहे होंगे, ठीक है, ओर को ब्लास्ट फर्नेस तक ले जाते हैं लेबर जो काम कर रहे होंगे, उन सबका जो है ना एक्टिविटीज, उसको कोर एक्टिविटीज मानकर उसके अंदर बोलना चाहिए यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ फिक्स टर्म एम्प्लॉयज आएंगे, ये बोल देना चाहिए, तब जाकर चीजें सही होगी, राइट। देखिए,
कोर एक्टिविटीज के अंदर तब जाकर लोग क्या करेंगे, कंपनी शिफ्ट करेंगी किससे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज की तरफ। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन राइट। शिवा पांडे सिंह सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है ना अभी, तो थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। शिवांग पांडे, एक ग्रुप है जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप, और वहां पे आपको सारा पीडीएफ और सारा क्लास का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। आयरनिकली इट हैज डन द अपोजिट, गवर्नमेंट ने अपोजिट करा, गवर्नमेंट ने लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में ये बोला है कि यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इन द कोर एक्टिविटीज अंडर द सर्टेन कंडीशन, जैसे सडन इंक्रीज इन वॉल्यूम इन द कोर एक्टिविटी विच नीड्स टू बी अकम्प्लिश्ड इन द स्पेसिफाइड टाइम, कि कोर एक्टिविटीज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को उन्होंने कहा है कि अलाउ कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि भाई एकदम से अगर मान लीजिए काम बढ़ जाता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ले सकते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए था लेबर कोड ऑफ ऑक्यूपेशन सेफ्टी के अंदर, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी गवर्नमेंट को, ये इस आर्टिकल के अंदर इस तरह से बोला गया। सच ए प्रोविजन एनकरेज द यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, और इससे क्या हुआ, अंडरमाइन करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को, अंडरमाइन करते हैं रिजॉल्विंग द अंडरलाइन कंफ्लिक्ट इन द लेबर कोड्स पर्टेनिंग टू दोस टू कैटेगरीज ऑफ द वर्कर्स इज क्रिटिकल इफ दे आर टू बी इफेक्टिव इन अरेस्टिंग द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन। देखिए कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन को घटाकर हमको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की तरफ लाना ही पड़ेगा, ये वर्कर के लिए अच्छा भी है और इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है, बट क्योंकि हमारे लूपहोल्स इतने ज्यादा हैं लॉस के अंदर, तो इंडस्ट्रीज जो है दैट इज वर्क दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स व्हाट, दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट ने ना एक जो अभी विस्टर्न के अंदर जो अभी प्रॉब्लम हुआ है और वायलेंस हुआ है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट हायर करा था, ठीक है, कैंप कॉन्ट्रेक्टर, क्यों, क्योंकि पीएलआई स्कीम आई थी गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट की पीएलआई स्कीम क्या है, ये बहुत ही मजेदार स्कीम है, ये ऐसे बोलता है कि पिछले साल से एक बेस ईयर लेंगे, इस बेस ईयर से ज्यादा तुम क्या करो, प्रोड्यूस करो, जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे, मैं मान लो पिछले साल 100 मोबाइल प्रोड्यूस करें, अब तुम्हें 500 कर दे, तो उन 400 मोबाइल के ऊपर इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब क्या हुआ, अब विस्टर्न जो थी उसने सोचा कि यार बहुत सारा अपन क्या करते हैं, बहुत सारा अपन डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारा प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, तो उसने बहुत सारे हायर कर लिए। अब हायर करने के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर चाहिए थे, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को हायर कर लिया। अब हायर कर लिया, उनको हायर करा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को, तो वो लोग भड़क गए क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले, कॉन्ट्रैक्टर के जेब में ही चले गए सारा पैसा। तो ये सिस्टम था इसके अंदर। तो हम एक तरफ तो क्या कर रहे हैं बच्चों, एक तरफ हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह का प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो इसके कारण कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, ये इसके अंदर प्रॉब्लम था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके अंदर ये भी बोला गया कि आत्मनिर्भरता योजना हम लेकर आ रहे हैं जिससे कि फॉर्मल वर्कर्स बढ़े, बट ये जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट हम कर नहीं रहे, तो इसको हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ द डे, डिस्पाइट अ लिबरल फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रिजीम, फर्म्स कंटिन्यू टू हायर द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स वाई डिस्कस, ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। पूरा इस आर्टिकल के ऊपर बेस है, इस आर्टिकल को पढ़िए और हम इसके अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। प्रीलिम्स इज कमिंग बच्चों, और वी आर रेडी एंड विद दिस कोर्स, ऑसम कोर्सेज हम इसके अंदर बना रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया जाएगा, तो इकोनॉमिक्स का जो सीरीज है वो चल रहा है अभी डेली क्विज के साथ, ठीक है, क्विजेस अब उसके अंदर स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये कोर्स हम ज्वाइन कर लीजिए 5 PM पर, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। एंड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 1 घंटे का क्लास होता है जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का पढ़ाते हैं। तो 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पहले वो क्लास देख कर ही बैठिएगा, पहले मत बैठिएगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। एक बेनिफिट है, लाइव डीवी कोड अगर आप यूज करते हैं तो 100+ टॉप एजुकेटर्स विल बी एक्सेसिबल टू यू, फ्री क्लासेस मिल जाएंगी उनकी, फ्री क्विजेस मिल जाएंगी। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मेरी आपको मिलेगी, किस एजुकेटर को कैसा कितना कब पढ़ना है ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरह से प्लेटफॉर्म को एफिशिएंटली यूज करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा। लाइव डीवी कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड दैट्स द एंड ऑफ द क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।